रहीम अल्लाक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे आजकल आप लोगों के साथ मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद होती है हर दफ़ा जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं मतलब यही सोचती हूँ कि मैं अब अगली वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी लेकिन फिर भी लेट हो जाता है आई डोंट नो कब रूटीन मेरी सेट होगी कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ Uh, क्या होता है कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ चलो यार थोड़ी देर रेस्ट कर लो और वीडियो का फिर जो है वो दिमाग से निकल जाता है हालांकि वीडियोस मैं बनाती हूँ uh, लेकिन अपलोड uh, करने में एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग करनी वॉइस ओवर करना ये वो सारा लेकिन लेट्स uh, मैं कब अपनी रूटीन पे आती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ को फिनिश करूँ जी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी मैं चाय ऊपर लेके जाती हूँ और कभी नीचे लेके आती हूँ मैं कहीं दीवानी तो नहीं हो गई <laughs> तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि आज मेरी फ्रेंड आ रही है ये सैटरडे नाइट थी आ, आ, स्लीप ओवर के लिए तो मैं उसके इंतज़ार में मैंने चाय बनाई और साथ मैंने नान गरम किया गार्लिक नान और मैंने कहा चलो उसके आने तक थोड़ी मंचिंग करती हूँ मंचिंग तो खैर नहीं है नान और चाय ठीक ठाक आपका पेट भर जाता है लेकिन मैं थकी हुई भी थी तो मैं कहा चलो थोड़ी रेस्ट भी कर लेती हूँ तो वेट करते करते मुझे उम्मीद थी कि उसे टाइम लगेगा लेकिन वो बड़े माशाला टाइम पर पहुँच गई और फिर उसने हमारी तरफ स्लीप ओवर किया वो इसके माशाल्लाह तीन बच्चे हैं लेकिन वो सिर्फ़ अपनी बेटी को लाई थी कि फ़जर और ये दोनों जो हैं वो अच्छे से प्ले करें आ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तीसरा बीच में आ जाए ना तो वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो हुआ कुछ ये कि पहले तो ये दोनों बड़े मज़े से खेलती रही हैं लेकिन फिर अलीज़ा जो है उसकी बेटी का नाम अलीज़ा है वो मिन्सा के साथ उसने प्ले करना स्टार्ट किया तो फजर को हो जी कि मेरे साथ प्ले करें तो बस इनका यही चलता रहा के, uh, मेरे साथ प्ले करो ये करो वो करो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा और ये अगली सुबह है और उज़मा बीबी ने बड़े ही सुगड़ अंदाज में जो है वो उठते ही जो है ना वो दवाइयाँ शुरू कर दी <laughs> उस्मा एक्चुअली मुझे मिली थी फजर को जब मैंने पहले स्कूल में एडमिट कराया था वहाँ पे uh, हमारा जो पुराना घर था उधर ही ये करीब ही रहती थी और फिर हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई रोज़ हम लोग मिलते थे फिर उस माँ डेली जो है क्योंकि मेरा जो घर था वो स्कूल से बिल्कुल एक दो मिनट की वॉक थी तो उस माँ मेरी तरफ़ आ जाया करती थी हम चाय शाय पीती थी फिर हम इकट्ठा बच्चों को लेने जाते थे तो बड़ा ही वो ना मज़े का टाइम था फिर हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे खाना जो इनके घर पका होता था ये ले आती थी कभी मैं भेजती थी और ये वो बंदी है जो मैं रहती थी तब मैं नहीं हम एक्चुअली मैं हमेशा मेरे मुंह से मैं निकलता है और इस मैं को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ पता नहीं कब मेरे मुंह से मैं निकलना बंद होगा हम जी रहते थे अलेवन फ्लोर पे और ये बंदी अलेवन फ्लोर पे मेरे लिए दस किलो चावल ढा किलो लाती थी लाती तो खैर लिफ्ट में थी लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है इसने मुझे वो चावल इंट्रोड्यूस करवाए थे वफा चावल जो जो यहाँ रहते हैं वो ज़रूर ये वाले चावल ट्राई करें हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं मिल रहे ये चावल सिर्फ़ टूटिंग से मिलते हैं टूटिंग पाकिस्तानी इलाका है और वहाँ से भी सिर्फ एक शॉप से मिलते हैं और यहाँ देखें जी कितनी अच्छी है इसे मिन्सा के लिए केला मैच के ऑमलेट बनाया वीडियो में ऐसे लग रहा है सारे काम उजमा ने किए वैसे इसी ने किया तो जी अल्लाह आपका भला करे आ, हाँ मैं आपको क्या बता रही थी कि वो चावल जो हैं वो सिर्फ टूटिंग से मिलते हैं और इसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाए थे और फिर ये जब अपने लिए लेने जाती थी तो मेरे लिए भी ले आती थी और अल्लाह आपका भला करे जब कोर्नटीन हुआ था कोविड के टाइम तो ये ना मुझे इसने दो दो तोड़े ला के दिए चावल के देखे इंसान किसी के लिए कुछ करे तो आपको कभी नहीं भूलता तो जब मैं इधर मूव हुई थी तो शुरू शुरू में तो फल्ला बड़ा बड़ी ही मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि तो मुझे ना उमा की आदत हो गई थी Uh, क्योंकि ये डेली आती थी तो वो जैसे ना आपको uh, इन मुल्कों में ना एक्चुअली और तरह का सीन है हमारे मुल्कों में और तरह का यहाँ आप इवन के बच्चे आपको होश नहीं आने देते लेकिन स्टिल आप लॉन्डी फील करते हो जैसे कि अब इस घर में मेरी जो हमसाई है उससे शुरू में मेरी इतनी नहीं हुई टाइम लगा हमें दोस्ती करने में क्योंकि वो मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ लेकिन जो मेरी हमसाई है वो थोड़ी सी रिज़र्व है उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है लेकिन मैंने उस पर ठीक ठाक किस्म का वर्क किया <laughs> और अब फाइनली दोस्त बन गए और माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं वो बड़ी तो मुझे बड़ा सहारा होता है इवन कि मेरी हमसाई लास्ट वीक ये लोग टर्की गए हुए थे तो मैंने इसे बड़ा मिस किया खैर मैं ऐसे ही बताना ही भूल गई चलो मैं बता दूँगी एनी <laughs> जी जी खैर उज़मा अब जा चुकी थी और ये वाली जो वीडियो है ये है लास्ट वीक की आ, आ, लास्ट वीक की हाँ हाँ जी ये लास्ट वीक की वीडियो और मैं यहाँ बना रही हूँ फलजीरा फलजीरा जी हम वटों की ख़ास डिश है ये Uh, हमारे घरों में बहुत बनता है गांव में बहुत बनता है बचपन से कोई भी त्यौहार हो तो जनाब ये फलजीरा जो है ना वो मस्त बनता है और इस पर ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो मेहनत होती है चले पहले मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगी पहले मैं अपने को रेसिपी बता लूँ मैंने ज़्यादा सारा ऑयल लिया तकरीबन ये मैंने एक बड़ी प्याली ऑयल की ली थी उसको मैंने गर्म किया उसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है जब वो घी जो है गरम हो गया उसमें मैंने एक बड़ा बाउल जो है वो सूजी का डाला है और आधा बाउल मैंने डाला है आटे का जनाब ये वो आटा है जिससे हम बनाते हैं रोटियां तो फलजीरा जो है वो आटा और सूजी दोनों को कंबाइन करके बनता है अब मैं ये वाला आटा भूनूंगी तकरीबन दो डेढ़ दो घंटे तक हल्की आँच पर और यहाँ मैंने बादाम और काजू जो हैं उनको घी में जो है वो फ्राई किया ये ना बड़ी पावरफुल चीज़ है बड़ी बड़ा ये ताकत वाला बनता है मेहनत इस पर बड़ी होती है ना लेकिन क्योंकि आ, हम लोगों का बचपन से ना फलजीरे का टेस्ट डिवेलप हो जब मैंने निसार को पहली दफ़ा खिलाया निसार को बहुत हैवी लगा और हलवा जो होता है वो बड़ा ये भी हलवे की किस्म है लेकिन इसको आप पंजीरी भी नहीं कह सकते क्योंकि पंजीरी जो है वो ड्राई ड्राई होती है ये ड्राई नहीं होता ये हलवे की तरह ही होता है और बहुत कम लोग जानते हैं फलजीरे के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे जो जानते हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा अच्छा जी अब यहाँ पे मैंने उसको अच्छी तरह से भुना है तकरीबन कोई डेढ़ दो घंटे आपको कब पता चलेगा जब आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आटा और सूजी जो है वो भुनी गई है और इसमें मैंने उसी प्याली का आधा आधी प्याली मैंने आधे से भी कम प्याली मैंने पानी की डाली है और चीनी मैंने बराबर डाली है अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप एक प्याली डाल सकते हैं मतलब उससे थोड़ी कम डाल सकते हैं लेकिन मैंने बराबर चीनी डाली है इसकी जो चाशनी होती है ना उसका भी बड़ा हिसाब रखना होता है मैं आपको आगे बताती हूँ अब इसमें मैंने कुछ बादाम जो हैं वो क्रश करके डाले हैं और मैंने इसमें क्रश की हुई डाली है आम... मेरी ज़ुबान पे क्यों नहीं आ रहा नारियल आम... नारियल जो होता है ना मुझे सॉरी मुझे हंसी आ गई <laughs> जी तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ गई मेरे पे एकदम शैतान गिब हो गया हाँ जी तो मैंने नारियल इस पे क्रश किया हुआ डाला है और अच्छा इसकी चाशनी का हिसाब ये है कि जब आपने यहाँ अब मैंने स्पून पे लेके तो जब इसकी ना तार सी बन जाएगी ना लेकिन आपने ये ठंडा करके अपने हाथ पे डालना है अम, आ, हाथ पे जब आप चेक करेंगे तो ठंडा करना है अदरवाइज़ उंगली जल जाएगी तो ये देखें अब यहाँ पे ये हल्की हल्की सी तार बने लेकिन स्टिल अभी ये थोड़ी सी कच्ची है इसको मैंने उसके चेक करने के बाद एक मिनट तक और पकाया था अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने भुना हुआ सूजी और हमारा आटा है वो हम इसमें डाल देंगे और नीचे से हमने फ़ौरन आँ जो है वो बंद कर देनी है अदरवाइज़ ये कड़कड़ा हो जाएगा ठीक है जी तो इसका हिसाब आपने ये रखना है कि चीज़ें जो हैं आपने मैयर करके डालनी है ठीक है जी अब जैसे मैंने डेढ़ बड़ा ये जो बाउल है वो एक बाउल मैंने डाला सूजी का और आधा बाउल मैंने आटे का डाला फिर चाशनी के लिए मैंने आधा आधे से भी कम वही वाला बाउल मैंने पानी का डाला और उसमें उतनी ही मैंने चीनी मैयर करके डाली और आप इसकी शक्ल देखें फलजीरा मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता लेकिन इस दफ़ा ये मुझसे इतना मज़ेदार बना बिल्कुल अम्मी की तरह और जब मैं ये फलजीरा बना रही थी ना तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे <laughs> क्योंकि आजकल अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है जो जो मेरी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करें मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें और मेरी सास के लिए भी दुआ करें उनकी भी तबीयत तभी नहीं ठीक है अल्लाह पाक दोनों को सेहत सहित तंदरुस्ती से नवाजे आमीन जम आमीन तो जनाब ये मैंने अपनी अम्मा जान की याद में भी बनाया कि अम्मी हमारे लिए ऐसे बनाती हैं और ये बहुत मज़े का बना दूसरी वजह ये है कि ये इतना मज़ेदार इसलिए बना था क्योंकि ये जिनके लिए मैंने बनाया था वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उमर भाई आप लोगों ने उनके लिए भी दुआ करनी है उनकी भी तबीयत नहीं ठीक है तो उनके लिए मैंने ये स्पेशल बनाया था और जब आप किसी बीमार के लिए बनाते हो या उसकी उस नीयत से बनाते हो अच्छी नीयत लेके बनाते हो तो यकीनन वो चीज़ अच्छी बनती है और लापाक जो जो बीमार हैं इस दुनिया में सबको सेहत व से नवाजे सब बच्चों को बड़ों को बुज़ुर्गों को सबको सेहत दे आमीन से आमीन जी जनाब ये देखें ये हलवा कितना टेस्टी बना है अभी मेरे देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है लेकिन स्टिल अभी मैंने थोड़ा बचाया हुआ है <laughs> तो जी आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यहाँ ये बाउल मैंने उनके लिए रेडी किया और हम ले के जा रहे हैं उनकी तरफ हम लोगों ने पहले उधर ये हलवा ड्रॉप किया और तकरीबन हम कोई दस को मिनट बैठे थे फिर हम लोगों ने जाना था उधर हमारे निसार के भाई की तरफ तो मेरी रास्ते में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी कभी आ, मुझे रास्ते में वोमिटिंग फ़ील होती है जब भी हम उनकी तरफ जाते हैं लेकिन इतनी बुरी मुझे कभी नहीं हुआ मैं सारे रास्ते वोमिटिंग करती गई और यकीन करें मेरा हशर नशर हो गया था बड़ा ही बड़ा ही मुश्किल रास्ता था और जब हम जा रहे थे हम लोग उधर तकरीबन पहुंच रहे थे कोई नौ बजे और मैंने निसार से कह रही थी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि अब हम वापस घर जाएं <laughs> लेकिन कि... एक तो निसार को नींद नहीं आती कहीं भी और और जो पहले फजर अकेली थी तो और हिसाब किताब था रहना ही था लेकिन दो बच्चों के साथ रहना अब मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है तो अल्लाह अला करके हिम्मत करके लेकिन मैंने क्या किया उधर जाके मैं अल्लाह आपका भला करे आ, मैं लेट गई खाना <laughs> खा का के मैं लेट गई मेरे से बिल्कुल नहीं उठा गया वो जो मैंने थोड़ी देर रेस्ट की उसकी वजह से फिर इजीली वापसी का रास्ता हो गया और जी ये मैं और बच्चों के साथ आई हुई हूँ टेस्ट को और मैंने ये पुश चेयर के साथ बड़ी मज़े की चीज़ ऑर्डर की है जिससे फजर भी बैठ जाती है और ये टायर्ड नहीं होती क्योंकि स्कूल इसका थोड़ा दूर है तो फिर ये कंप्लेन करती थी कि मैं टायर्ड हो गई हूँ और बीमार भी जल्दी हो जाती थी तो अब ये है कि मुझे पुश करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन आसास्त पड़ जाएगी और यहाँ हमें शदीद भूख लग गई थी और जनाब मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर की और वहाँ से ही मैंने डेस्को से ही लिया था अल्लाह आपका भला करे ये मिक्स थे मिक्स uh, बीन्स थे इसमें स्वीट कॉर्न भी था बड़ा बड़ा मज़े का ये था और फिर वो खाया साथ ब्रेड खाई तो अच्छा खासा जो है लंच हो गया था ठीक मुझे दीजिए इजाज़त yes. खुदा